दोस्तों व्हाट्सएप अपने यूजर्स के लिए नए नए फीचर्स अपने व्हाट्सएप एप्लीकेशन पर एड ऑन करते रहता है और इसी में से एक नया फीचर इसका सामने आया है जो कि फ्रिक्वेंटली फॉरवर्डेड। ये फीचर इसलिए लाया गया ताकि स्पैमिंग जो आते हैं मैसेजेस के थ्रू, स्पैम मैसेजेस होते हैं, उनसे यूजर्स को बचाया जा सके। 2018 में जब फॉरवर्ड मैसेज का ऑप्शन आया था, जब ये फीचर आया था, लोगों को लगा था कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और फॉरवर्डेड मैसेज से लोग स्पैम मैसेजेस से बच सकेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो उसी को कंटिन्यू करते हुए इसमें एड ऑन फीचर्स करते जा रहे हैं व्हाट्सएप, और व्हाट्सएप का क्लेम करना है कि मल्टीपल फॉरवर्डेड को देख कर हो सकता है यूज़र्स उस मैसेज को ध्यान से देखें और उस पे भरोसा ना करें। वैसे मुझे नहीं लगता कि इसका कोई सलूशन है, कुछ फ़र्क पड़ने वाला है, क्योंकि यार मैं तो नहीं देखता कोई मैसेजेस पढ़ते समय कि उस पे फॉरवर्डर लिखा हुआ है या फिर नहीं, क्योंकि मुझे तो मैसेज से मतलब होता है, इवन आपको भी मैसेज से ही मतलब होता होगा। लेकिन अगर आप केयर करते हैं कि क्या मैसेज फॉरवर्ड किया गया है या फिर नहीं, तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइए मुझे। और दोस्तों हाँ, अगर आपके पास कोई ऐसा आइडिया है जिससे कि इस व्हाट्सएप की स्पैमिंग को रोका जा सके, तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में मुझसे शेयर कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपने अब तक ये वीडियो देख लिया, आपको वीडियो अच्छी लग रही, तो इस वीडियो को लाइक करना तो बनता है। वैसे आज के टाइम पे तो ऐसे मैसेजेस भरे पड़े आ जाते, मतलब 10 में से एक मैसेज तो स्पैम का ही होता है और उनसे आपको बचने की ज़रूरत है। और हो सकता है कि ये अपडेट कुछ लोगों को मिल गया हो और हो सकता है कुछ लोगों को अपडेट बाद में मिले। अगर आपको ये अपडेट मिल चुका है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे जरूर बताइए। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करना, शेयर करना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो। तो दोस्तों मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।